अतुला को सुनते हो? अतुला, अतुला का ये तो गाना ही है, गाना है। कमाल है। बर्बाद करके मैंनो दुनिया सारी निहाल है, भूलती नहीं याद तेरी, हर दम तेरा ख्याल है। पाकिस्तान सारे आखते ने अक्सां बेवफा मैं ना, तू ही बेवफा है। मेरी खाल है उसकी तीनों माँ भगवती, वो कराची रही है। शेर शायरी, दुनिया किसी की नहीं है, मेरा कमाल क्या है। तू बेवफा नहीं, मैं जमाल भी नहीं, तू फूल भी है मैं कांटा तो नहीं, तू दिल भी है मैं जान तो नहीं, मैं तलवार भी हूँ, मैं जलवार भी हूँ, मैं दस्तार भी हूँ, मैं बदमाश भी हूँ, तू है ही नहीं, तेरा भी जो भी हूँ ते आई लव यू नहीं आखना चाहिए। तू मेरी दस्तार है भले खेलता भी, मैं तेरे दुश्मना भी ना छोड़ता, मेरी दस्तार ही है वे, तू नंगी भुखी है वे नहीं भी है, मैं तेरा वजदान हाँ, तू ही मेरा संस्कार है, तू मैं लट भी है वहाँ, तू मेरा प्राण है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर, आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। मेरे साथ एक भाई बैठे हैं जो हज़ारा से बिलोंग करते हैं और इनको किसी से इश्क हो गया था। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशाद कुरैशी। मोहम्मद अरशाद कुरैशी भाई, आप कहाँ से हैं? मैं हरिपुर से हूँ सर। हरिपुर से हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप बता रहे थे कि आपको लड़की से इश्क हो गया था, आप उसके पीछे आए हैं, तो आप कब से ढूंढ रहे हैं उसको? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गया? क्या वो इस्लामाबाद में रहती है? इस्लामाबाद के बैक साइड पे है। इस्लामाबाद के बैक साइड पे रहती है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर वो आपको कहीं देख रही हो हमारी इस वीडियो को? तो उन्हें कहें आई लव यू। मोहम्मद शाह कुरैश साहब कह रहे हैं। अच्छा, निकी जी गल तो रोस के हैं, बस बोला तेरी कमाल है। अतुला को सुनते हो? अतुला, अतुला का ये तो गाना ही है, गाना निकी जी गल तो रोस के बोला तेरी कमाल है। बर्बाद करके मैंनो दुनिया सारी निहाल है, भूलती नहीं याद तेरी, हर दम तेरा ख्याल है। ही हाल है जनाब, कभी ये इधर लड़की को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको कुछ उसका जो ना अंदाज़ा नहीं है, वो कहाँ पर है, कैसे इनसे मिलेंगे, कहाँ से और किस तरीके से उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट होगा। तो आप बताएं कि अगर वो वीडियो ये देख रही है तो आपके साथ रब्ता किस तरीके से कर सकती है? सर वो रब्ता से कर दिए, मोबाइल नंबर खो गया है, 3-4 मोबाइल चोरी हुए हैं इस वजह से, डाउट है नदीम साहब ने चुराए हैं। ये नदीम कौन है? नदीम टैक्सी ड्राइवर है सर। आपको जो साथ लेके आया था यहाँ पे? लेके आया था सर। और अच्छा, नदीम नाम है उस टैक्सी ड्राइवर का जो आपके मोबाइल भी लेके भाग गया है, और आपने उनसे क्या कहा था, किस तरीके से आपने सारी रुदात सुनाई थी उनको? टैक्सी है, दो टैक्सी है उसके पास। अच्छा, आप जो है ना शेर तो सुना दें 2-4। शेर शायरी, दुनिया किसी की नहीं है, मेरा कमाल क्या है। तू बेवफा नहीं, मैं जमाल भी नहीं, तू फूल भी है मैं कांटा तो नहीं, तू दिल भी है मैं जान तो नहीं, मैं तलवार भी हूँ, मैं जलवार भी हूँ, मैं दस्तार भी हूँ, मैं बदमाश भी हूँ, तू है ही नहीं, तेरा भी जो हूँ ते। बहुत खूबसूरत जनाब, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप कोई माया इस तरह का सुना दें जो लोग देख रहे हैं, ताकि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका जो है ना और उस लड़की का जो आपकी महबूबा है वो आप दोनों मिल जाएं। आई लव यू नहीं आखना चाहिए, तू मेरी दस्तार है भले खेलता भी, मैं तेरे दुश्मना भी ना छोड़ता, मेरी दस्तार ही है वे, तू नंगी भुखी है वे नहीं भी है, मैं तेरा वजदान हाँ, तू ही मेरा संस्कार है।
तू मैं लट भी है वहाँ, तू मेरा भ्रा है। ओ या नहीं और कोई आखना चाहे बस आई लव यू पाकिस्तान। सारे आखते ने अक्सा बेवफा मैं ना, तू ही बेवफा है। मेरी खाल है उसकी तीव न मामा बोती वो कराची रही। अच्छा तुसी मैं ये दसो ते ओ कुड़ी कराची रहती है, इस्लामाबाद रहती है, कितने रहती है? कुड़ी कराची भी रहती है, इस्लामाबाद भी रहती है। अच्छा रहती कराची में, इस्लामाबाद भी आना जाना उनका लगा रहता है? हाँ लगे रहते हैं आना जाना। अच्छा अच्छा कदे कदे ग्राम ग्राम में नहीं मिले हो दोबारा फिर? ग्राम में कितने मिले हैं, जेल में गया, बस टीका लाया इन्हें मोड़ के आ रहे हैं। अच्छा कितना अरसा होया जेल तो बाहर आयो? जेल उत्तर से 2 बज में गया, 5 साल कैद ही मेरी। ते जमानत जमानत किस कराई है? जमानत में मेहनत की थी है। अंदर जेल दे? जेल दे अंदर हाथ में सुनी ना मार है ता शिया में ना, शिया मेरे खिलाफ ने, मैं दस्तार ही ना गफ्तार भी है ना। तू जलवार तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है तू, तू कौन है? मैं कौन हाँ? तू कुछ भी नहीं, यही मेरा वही दान है। तो जी नाजरीन, जैसा कि भाइयाँ हमारे बेसिकली ये हरिपुर से हैं, और मैं खुद एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ, हज़ारे वालों में भी और ये भी, और यहाँ पर मैं गुजर ही रहा था तो अचानक मेरी नज़र इन पे पड़ी, मैं आया इनके साथ बातचीत की, तो इनसे जो है ना सबसे पहले मैंने पूछा कि भाई मैं इस तरीके से क्या वजह, कोई रीज़न होती है, कोई मतलब मुसीबत में हो कुछ इस तरीके से हो तो उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी एक अलग ही स्टोरी सुनाई। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मैं इस तरीके से जो है ना आपके जो है ना इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे जो है ना बिल्कुल बता दिया। अच्छा आपका नंबर क्या है, अगर ये कोई वीडियो पुलिस वाला देख रहा है जो आपके मोबाइल चोरी हुए हैं, ठीक है, उस लड़के ने जो है ना चोरी की है, वो जो है ना वो आपको जो है ना ट्रेस कर दें। उसने कहा था 4 महीने में लगाऊंगा, वापस आऊंगा। 4 दिन के लिए मेरे घर रुका है, मैं अपने अप्लाई कर रहा था, डेवलपिंग कर रहा था होम की, उसमें उसने मुझे धांधली की है, फिर एक्सक्यूज़ किया है, चला गया है। नवीद साहब। अच्छा 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 अगर अगर आपको आपके मोबाइल मिल जाए दोबारा, कोई ला के दे दे, तो आपका और उस लड़की का आपस में रब्ता बहाल हो जाएगा? नंबर उसके पास है आपका? हो जाएगा, उसके ऊपर लानत होगी। नंबर है उसके पास आपका? नंबर अपना अपना जो है ना आप नंबर भी बता देना, ताकि 5634-6627। तो स्टार्टिंग में क्या है, कोड क्या है? 0301-0352-5567। 0301-0352-5567-127। तो जी जनाब, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि अभी इनके पास अवेलेबल तो नहीं है, इनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही होता है तो ये नंबर्स है इनका, ये जो है ना दोबारा अपना नंबर निकलवा भी लेंगे। अगर कोई मेरी ये वीडियो कोई साबे हैसियत कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है जो इनकी हेल्प कर सकता है, तो मेहरबानी करके इनकी ये हेल्प करें, और जो भी आपको जो है ना बेहतर समझते हैं। तो जी नाजरीन, जैसा कि अभी आपने एक स्टोरी जो थी वो देखी, और इनका जो है ना ज़हनी तवाज़ुन, जो मेरे बातचीत करने का तरीका कार था, मुझे यही लगा कि ये अपना ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल खो चुके हैं, इश्क और मोहब्बत में रुसवा हो चुके हैं, और आज जो है ना दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बकौल इनके इनका ये कहना है कि ये 302 के केस में जेल भी रह के आए हैं, किसी कत्ल के केस में। बाद में जो है ना बकौल, जब मैंने इनसे ये सवाल किया कि आप जो हैं किस तरीके से बाहर निकले और आपकी ज़मानत किसने करवाई, तो इनका ये कहना था कि अपनी मेहनत की अंदर जेल में, तो वहाँ पर जो है ना बाहर आ गया, और ये यहाँ पर अभी उस लड़की को जो है ना ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं पहले ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद में रहते हैं, फिर कह रहे हैं कि ये कराची में भी रहती है और इस्लामाबाद आना जाना उनका लगा रहता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी मेरी है ये आज की? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी मैसेज हो वो लाजमी दें, और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इनके जो रिलेटिव हैं वो इनको जो है ना देख सकें। और जो भी लड़की है, अगर ये सारी कहानी एक हकीकत पर मबनी है, तो ताकि ये वीडियो जो है ना उस लड़की तक भी पहुँच सके।
आप सब इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मिल सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलक राशिद मुझे को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह नेकबा।